दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिप की यहाँ पर लगी हुई है जो फसल है इसमें ड्रिप का उपयोग किया गया है। तो आप इस बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि ड्रिप होता कैसे है, इसका कैसे। नमस्कार किसान साथियों, मैं कामेश सोनकर आपका मेरे किसान चैनल किसान दर्शन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिप की यहाँ पर लगी हुई है जो फसल है इसमें ड्रिप का उपयोग किया गया है। तो आप इस बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि ड्रिप होता कैसे है, इसका कैसा मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो सेटअप है, यहाँ पर पूरे ड्रिप के सेटअप लगे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि ड्रिप कैसे लगता है और इसको कैसे उपयोग करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे ये जहाँ ये जो पंप का मेन कनेक्शन है यहाँ पर होते हुए ये जो मेन चैनल इस पर गई हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर एक नल भी यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में आप देखेंगे ये जो यहाँ पर पानी यहाँ से होते हुए मेन जाती है, यहाँ पर एक कनेक्शन और यहाँ पर लगेगी जो इधर जाने की होगी। ये इसका कट पॉइंट है जो कि यहाँ पर कटा हुआ है। इसके साथ ही इसमें यहाँ पर आगे बढ़ते हुई ये जब इस पैनल पे जाती है तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो आपको वाल्व दिखाई दे रही है ये फर्टिगेशन के लिए है। ये आपका फर्टिगेशन टैंक है। ये जो वाल्व है इसके माध्यम से ड्रिप पर जो ये जो लगने वाली ये जो पाइप है इसमें अब NPK हो गया या फिर 0534 फर्टिगेशन या फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, इसके माध्यम से आप यहाँ पर ड्रिप में पौधों को दे सकते हैं। 0534 हो गया, ये इसका उपयोग के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर उपयोग किया गया है। जब देखेंगे इसमें दवाई हो गया, फिर आपकी जो फर्टिलाइज़र है उसको यहाँ पर घोल दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो आप मीटर दिखाई आपको दे रहे दोस्तों, इस मीटर को यहाँ पर सेट किया जाता है जिसके माध्यम से यहाँ पर जो दवाई है उसका जो डोज है वो किस तरीके से जाता है। अब देखेंगे ये जो ये फिल्टर वाल्व है, पानी यहाँ से आते हुए यहाँ पर फिल्टर होती है। फिल्टर होने के पश्चात ये जो है इसके माध्यम से यहाँ पर बढ़ जाती है। और आप देखेंगे ये जो आपको कांटा दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है कि आपको किस गति से यहाँ पर आपको ड्रिप के माध्यम से पानी देना है या फिर फर्टिगेशन करनी है। तो जी दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ड्रिप के बारे में कुछ जाना और समझा। इसके माध्यम से ये जो अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ पर पूरी ये जो इसकी जो प्लॉट है जो करीबन 5 एकड़ प्लॉट है उसमें फैली हुई है। यहाँ से हम इसको चालू बंद कर लेते हैं और देखेंगे इसके बाद ये ड्रिप का जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो पानी किस तरीके से आना है, किस तरीके से इसमें फर्टिगेशन देना है। पूरी यहीं जो है ड्रिप की ये जो सेटअप है यहीं से आप पूरी तरीके से यहाँ पर मैनेज दोस्तों जाता है। ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें हमने ड्रिप के बारे में पूरी तरीके से जाना। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल किसान दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।